प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका अज़हर खान। प्यारे बच्चों, आज हम नहुम जमात की गज़ल नंबर 6 शुरू करेंगे, जिसके शायर है मजरू सुल्तानपुरी। प्यारे बच्चों, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टीवी, मोबाइल पर बहुत सारे प्रोग्राम देखते हैं, जिसमें गीत, नज़में और गज़लें शामिल हैं। उर्दू शायरी में कई असनाफ़ सुकन मौजूद हैं, लेकिन आज हम उर्दू शायरी की आबरू गज़ल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। यूँ तो गज़ल के लगवी मानी है औरतों से बातें करना, लेकिन आज गज़ल ने अपने दामन में बहुत सारे मौजूदात को समेट लिया है। आज का शायर गज़ल में इस तरह भी कहता है, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। गज़ल उर्दू शायरी की वो सनफ है जिसके हर शेर का मजमून मुख्तलिफ होता है। उसके पहले शेर को मतला कहते हैं। मतले के दोनों मिसरों में शायर काफ़िए का इस्तेमाल करता है। काफ़िए के बाद जो लफ्ज़ या अल्फाज का मजमू आता है उसे हम रदीफ कहते हैं। गज़ल का आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपने तखल्लुस को इस्तेमाल कहता है। प्यारे बच्चों, शायरी हमारे अंदर उमंग और हौसला भी पैदा करती है और आगे बढ़ने का जज्बा भी। इसी किस्म का एक शेर है, मैं अकेला ही चला था जानी भी मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया। ये शेर मजरू सुल्तानपुरी का ही है। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं ये गज़ल। गज़ल मफहूम और तारुफ। असनाफ़ सुखन में गज़ल अहम तरीन सिनफ़ शायरी है। उर्दू में शेरी अदब में सबसे ज़्यादा सरमाया गज़ल ही का है। ये वो सिनफ़ है जिसमें इश्क व मोहब्बत का जिक्र होता है। गज़ल के लगवी मानी औरतों से बातें करना या औरतों के हुस्न जमाल की तारीफ़ करना है। एक रिवायत ये भी है, जब मुल्क अरब के नहायत खूबसूरत हिरन को शिकारी कुत्ते दबोचने को हों, तो उस वक्त उस हिरन के मुंह से जो दर्दनाक चीख निकलती है उसे गज़ल कहते हैं। गोया गज़ल में इश्क मोहब्बत और दर्द का बहुत नुमाया होना ज़रूरी है। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। मगर फैज़ के इस शेर से आहिस्ता आहिस्ता गज़ल का दामन वसी से वसी तर होता चला गया। फिर गज़ल में हर मौजू लाया जाने लगा, बल्कि कुछ कदावर शायरों जैसे अल्लामा इकबाल, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और फैज़ अहमद फैज़ वगैरह ने गज़ल का मफहूम ही बदल कर रख दिया है। और गज़ल में हर किस्म के इफ़कार व ख़यालात को पेश किया जाता है। अनासिर तरकीबी। तादाद में गज़ल के अशार कम अज़ कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 25, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा हो सकते हैं, मगर अशार का ताक होना ज़रूरी समझा जाता रहा है। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। मतला के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ होते हैं, लेकिन काफिये का होना ज़रूरी है, रदीफ़ का होना ज़रूरी नहीं। अगर तीसरा और चौथा मिसरा भी हम काफिया और हम रदीफ़ हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। पूरी गज़ल एक ही बहर में कही जाती है। मतला के बाद गज़ल का हर दूसरा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ़ होता है। गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं और इसमें आम तौर पर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है।